मधुबन न्यूज की फास्ट खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। रेडियो मधुबन के बीके पवित्र द्वारा आमथला सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं अबुर्दा गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को हु एम आई फिल्म दिखाकर स्वयं और परमात्मा की कराई गई सत्य पहचान, सैकड़ों बच्चों ने सीखा राजयोग। नगर पार्षदों के सम्मान में बांगरपेट में ब्रह्मा कुमारी द्वारा समारोह, प्रेसिडेंट फरजान सुहेल, एनवायरमेंट इंजीनियर महेश, हेल्थ इंस्पेक्टर गोविंद राजू समेत कई अधिकारी मौजूद। बीके शकुंतला ने सम्मान कर संस्था का दिया परिचय। गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में क्वालिटी ऑफ लाइफ थीम के तहत फ्रेशर्स के लिए इंडक्शन कोर्स लॉन्च। कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर के वी एन श्रीनिवासा राव, प्रिंसिपल डॉक्टर ए भरदेश्वरन रहे मौजूद। भुवनेश्वर यूनिट 8 की प्रभारी बी के दुर्गेश नंदिनी ने बच्चों को किया प्रेरित। उत्तराखंड के चंपावत में उद्यान इंटरनेशनल स्कूल पर बच्चों के लिए नैतिक मूल्यों एवं चंपावत के स्थानीय सेवा केंद्र पर स्नेह मिलन कार्यक्रम। माउंट आबू से बीके भगवान ने लोगों को बताए आध्यात्मिक मूल्यों के रहस्य। स्कूल के प्रिंसिपल विपिन पांडे एवं डॉक्टर नरेश मुंद्रा रहे उपस्थित। जीवन में राजयोग के महत्व पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ सेवा केंद्र पर हुई चर्चा। बीके भगवान ने राजयोग द्वारा अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाने का दिया ज्ञान। स्थानीय LM तपोवन स्कूल में बच्चों को दी गई नैतिक मूल्यों की शिक्षा। स्कूल की प्राचार्य ललिता जोशी ने मूल्यों की कमी को दूर करने की दी सलाह। महाराष्ट्र के शहादा स्थित रामेश्वर चिंतेश्वर शिव मंदिर पर स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को दिया गया आध्यात्मिक ज्ञान। आत्मा और परमात्मा के सत्य परिचय का बीके भाई बहनों ने दिया संदेश। मध्य प्रदेश के शाजापुर स्थित शिव प्रधानी धाम द्वारा राजयोग से तनाव मुक्त जीवन पर कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यक्रम, केंद्र के संचालक डॉक्टर अंबावतिया के नेतृत्व में आयोजित। बीके पूनम ने तनाव के मुख्य कारणों पर लोगों का खिंचवाया ध्यान। उत्तराखंड के टनकपुर के राजकीय महाविद्यालय एवं ब्लू माउंटेन स्कूल में सकारात्मक चिंतन और नैतिक शिक्षा सशक्त युवा विषय पर प्रोग्राम। बीके भगवान ने व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए नैतिक मूल्यों को बताया जरूरी। प्रभारी बीके काजल भी रही उपस्थित। दिल्ली के बरवाला सेवा केंद्र की प्रभारी बीके काजल ने बरवाला डिस्पेंसरी में डॉक्टर्स को ईश्वरीय सौगात भेंट कर मधुबन आने का दिया निमंत्रण। रीवा के इंदिरा नगर में नई शिक्षा नया भारत थीम पर कार्यक्रम। मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश के अपना दल की महिला अध्यक्ष लता पाटीदार, प्रदेश अध्यक्ष अमृत लाल रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर राज्य के सुंदरबनी क्षेत्र को नशा मुक्त करने की दिशा में मेरा जम्मू व्यसन मुक्त जम्मू थीम के तहत इंटरनेशनल पब्लिक हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल, हर्ष निकेतन हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय न्यू मॉडर्न एकेडमी में बच्चों के लिए प्रोग्राम। सबसे बढ़िया सेशन जो है, बड़े बड़े प्रवक्ता आए, बड़ी बड़ी टीम्स आई, बड़े बड़े NGO आए, बड़े बड़े लोगों ने बच्चों को बड़े अच्छे मॉरल लेसन दिए। लेकिन आज मैंने भी बड़े प्यार से सुना, जो हम जैसे फोन पे गेम्स वगैरह खेलते हैं वो हमें नहीं खेलनी चाहिए, और हमें जो गेम खेलते हैं जो हमें उसका लत लगी पड़ती है तो उसे रोकने के लिए हमें वो थोड़ी देर के लिए छोड़नी चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली हम छोड़ सकते हैं। मेरा भारत स्वर्णिम भारत थीम पर ग्वालियर महाराजपुर के मालनपुर स्थित गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर पर चर्चा। प्रोग्राम में झांसी से आए बीके TD वर्मा ने व्यक्त की अपनी शुभकामनाएं। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श एवं बीके प्रहलाद ने किया संबोधित। रीवा के जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बीके निर्मला का हुआ सम्मान। समारोह में अखिल भारतीय सर्वोच्च ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विमल दुबे, नगर पालिका के नव निर्वाचित महापौर अजय मिश्र बाबा, मानस मंडल के अध्यक्ष सुभाष बाबू पांडे समेत कई नेताओं की मौजूदगी में बीके बहन को शॉल उड़ाकर किया सम्मानित।